शिव मंदिर धर्माड़ी के लिए कल मूर्तियां जो है धर्माड़ी शिव मंदिर में पहुंचेंगी, कल जम्मू से चलेंगी, उसके बाद रियासी पहुंचेंगी और रियासी भी लोग उन मूर्तियों को रिसीव करेंगे और उसके बाद कुछ लोग यहां से भी शिव मंदिर धर्माड़ी के लिए निकलेंगे और उसके बाद 9 तारीख से उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी और फाइनली 11 तारीख को शिव मंदिर धर्माड़ी में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस समय हमारे साथ सनातन धर्म सभा रियासी के मुखिया ब्रिजमोहन शर्मा जी हैं। इनसे पूरी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं, किस तारीख को क्या कुछ होगा शिव मंदिर धर्माड़ी में वो जानने की कोशिश करते हैं और उस मामले में इन इनकी एक मुलाकात 2 दिन पहले SSP रियासी मोहिता शर्मा जी से भी हुई है। उसमें क्या बातचीत हुई है और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस के द्वारा की गई है, पुलिस ने इन्हें क्या बताया, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर बताएं, कल से मूर्तियां जो है पहले रियासी पहुंचेंगी फिर शिव मंदिर धर्माड़ी पहुंचेंगी, क्या कुछ होगा 9 से 11 तारीख के बीच में? कल 8 तारीख है, सोमवार का दिन है, तो जम्मू से 10 बजे के करीब जो है मूर्तियों को वो जम्मू से विदा करेंगे और हम उनको रियासी में 12 बजे के बाद तकरीबन 1 बजे या 12-1 बजे के बीच जो है उनको जहाँ पर हम रिसीव करेंगे, तो फिर जहाँ पर जो रियासी के जो सनातन प्रेमी हैं अगर उनको भी हम अपील करेंगे कि वो आकर हमारा साथ दें और फिर उनको हम लेकर जो है धर्माड़ी मंदिर तक जाएंगे। और इसमें 3 तरह की मूर्तियां हैं, एक शिव परिवार की मूर्ति है, एक उसमें हनुमान जी की मूर्ति है और एक जो है अपने शिव जी के जो पवित्र शिवलिंग शिवलिंग जो है उनकी स्थापना भी वहां पर होगी, तो वो हम कल शाम को द्रमाड़ी उनको उधर मंदिर में पहुंचाएंगे और जो उनकी जो मंदिर की कमेटी है उनके सपोर्ट करेंगे। और फिर रियासी से पंडित, 5 पंडित जो है वो रियासी से जाएंगे, तो परसों 9 बजे से उनकी जो प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति जो है उनकी जो है वो 9 बजे शुरू करेंगे, फिर 10 को भी उनका चलेगा, जो भी उनका कार्यक्रम होगा, जल यात्रा है, फिर उनको जो कोई कलश होता है रखना है, तो उनकी जो छैया होती है वो सारा प्रक्रिया वो करते हुए 11 तारीख को 1 बजे से पहले जो है मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसमें हवन वगैरह होगा पूर्ण होती होगी, तो उसके बाद जो है जो खंडित मूर्तियां हैं उनका भी विसर्जन जो है पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद ये प्रक्रिया रहती है। हाँ, उसके बाद जो है विसर्जन जो है दरिया चनाब में जो है उनका विसर्जन जो है विधिवत तरीके से, जो जैसे हमारे पंडित हमें बताएंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, उनकी जो मतलब जो विधि है उसके मुताबिक उनको विसर्जन दो भी दिन पहले करेंगे। SSP रियासी से भी मुलाकात हुई थी सनातन धर्म सभा के सदस्यों की और भी कुछ लोगों की यहाँ, तो क्या कुछ बातचीत हुई थी उसमें? तो उसमें उन्होंने हमें अश्योरेंस दी है कि जो मतलब हम जो है काम कर रहे हैं तो कोई लीड जो है 2-3 लीड जो हमें मिली हैं उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, तो आप हमें जो है साथ दो हमारा। तो उसमें भी कुछ हमारे नौजवान चाहते थे कि कोई हो कोई प्रोटेस्ट, लेकिन जब उन्होंने हमको अश्योरेंस दे दी तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम इतनी देर में, क्योंकि लोग कहते हैं जो सनातन कहता है कि मंदिर जो है इतनी देर बंद नहीं रहना चाहिए, तो फिर हमने क्योंकि वो पुलिस के सपुर्द था वो उनसे हमने चाबियां वगैरह ले ली हैं और उनकी जो है मतलब कि वाइट वॉशिंग वगैरह उनकी जो रेनोवेशन है उसका भी प्रक्रिया चल रही है। तो उसके बाद जो है 11 तारीख को उसमें जब 1 बजे वो प्रतिष्ठा होगी पूर्णोती होगी तो उसके बाद जो भंडारा होगा तो उसका जो ये कार्यक्रम जो है खत्म हो जाएगा। और जो कहा आश्वासन क्या मिला? आश्वासन यही था कि 40 के 42 के करीब लोगों को हमने राउंड अप किया है, उसमें से कुछ क्ल्यू ले रहे हैं कुछ को छोड़ रहे हैं, तो ऐसे हमारा इंटरोगेशन चल रही है, तो अभी भी जो है 10-12 लोग जो है अभी भी हमारे कस्टडी में है। तो लगता है अभी आपको कि जल्दी सामने आ हाँ जाएगा या फिर लगता है, क्योंकि जैसे कि आज जम्मू में एक वाकया हुआ था नगरोटा में, तो उसका आज ही जो है निष्कर्ष निकल गया, तो हमें भी उम्मीद है कि जो जल्दी से जल्दी जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें कोई अच्छी खबर दें कि कौन उसमें मिसक्रियंट है या कि किसी की साजिश है, तो वो हम चाहते हैं कि वो हमारे सभी लोगों के सामने आए। कुंसर नाग यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, कुंसर नाग यात्रा भी निकलने वाली है, तो ये एक पड़ाव रहता है, ये शिव मंदिर ही पड़ाव रहता है यात्रियों के लिए। कुंसर नाग की यात्रा जो है वो 6 तारीख से 12 तारीख जो मंदिर है तो वहां से 6 तारीख शुरू होती है, तो 7-6 को रियासी में स्टे होगा उनका और 7 को सुबह वो जहां से निकलेगी तो मतलब उसमें भी बाजारों इसमें रियासी के बाजार से निकलकर तो बस स्टैंड से उसको विदा किया जाएगा, तो उसका जो है पड़ाव जो है वो उसी मंदिर में होता है, वहां पर जो है थोड़ा विश्राम होता है, चाय पानी का अरेंजमेंट वो वहाँ मंदिर कमेटी करती है, उसके बाद आगे के लिए वो जाडी प्रस्थान
करती है और उनका जो दोपहर का भोजन है वो मोहर में होता है, फिर शाम को जो चसाना में। इस बार क्या वहाँ पे थोड़े और ज्यादा भव्य तरीके से स्वागत होगा? जैसे जैसे कि हमें डीसी साहब ने एश्योरेंस दी है। हाँ, आप मीटिंग में आप भी थे और अंजी, और भी कुछ धार्मिक संगठनों के लोग थे, तो क्या कुछ बातचीत हुई? तो उसमें डीसी साहब ने पूरी जो चसाना की एडमिनिस्ट्रेशन को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़ा था, तो लोकल जहाँ के जो भी धार्मिक संस्थाएं उनको भी बुलाया हुआ था, तो जो इस कमेटी की जो बनी है हमारी कौंसलना की, उनके प्रधान या उनके जो भी सदस्य थे वो भी आए थे सभी। तो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, ग्रिफ वगैरह या रोड के लिए जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ब्लॉक डिपार्टमेंट, एसडीएम, पुलिस डिपार्टमेंट, सभी को उन्होंने मतलब वो ड्यूटियां लगाई हैं। और 20 तारीख को दोबारा उन्होंने कहा कि इसकी हम वो रिपोर्ट लेंगे कि क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, तो जो उसमें कमी पेशी होगी वो यात्रा से पहले जो है पूरी की जाएगी। जी चलिए, तो आश्वस्त हैं आप जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे, क्योंकि दिन तो काफी अब हो चुके हैं, लेकिन पुलिस आपको लगता है सही ट्रैक पर है? अभी करीब है। हाँ, हम यही लगता है यही उनकी बातों से कि वो सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें सपोर्ट कीजिए, तो इसलिए हमने उनको टाइम भी दे दिया। और दूसरा जो हमारा जो मंदिर की जो प्रक्रिया है, जो उनकी मूर्तियों की जो प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा, तो उसका भी जो हम काम करना है वो भी सबसे जरूरी है, क्योंकि सनातन के लिहाज से मंदिर ज्यादा दिन बंद नहीं रखना चाहिए। जी चलिए, तो आपको एक बार फिर बता दें कि कल मूर्तियां जो है शिव मंदिर दरमाड़ी में पहुंचेंगी, उससे पहले जम्मू से मूर्तियां रियासी आएंगी और कुछ लोग मौजूद रहेंगे यहाँ पे, और मूर्तियों के साथ ही शिव मंदिर दरमाड़ी में जाएंगे, रियासी से लोग भी जाएंगे। और 9 तारीख से उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो शिव मंदिर दरमाड़ी में की जाएगी। 9 से 11 तक प्रक्रिया जो है 9 तारीख को शुरू हो जाएगी और 11 को प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसके बाद जो खंडित मूर्तियां हैं उनका विसर्जन जो है वो विधि पूर्वक किया जाएगा। और आश्वासन पुलिस ने जो दिया था इस मामले में, जो सनातन धर्म सभा के सदस्य हैं या फिर गोविंद संगठनों के लोग हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस जो है जल्द से जल्द उन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने शिव मंदिर दरमाड़ी में तोड़फोड़ की थी। और इन्होंने पुलिस को वक्त दिया है और इन्हें भी विश्वास है कि आने वाले समय में वो आरोपी जो है सलाखों के पीछे होंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। अगले महीने से कौंसलनाग यात्रा भी शुरू हुई है, होने जा रही है, और उस मार्फत भी एक बैठक डीसी रियासी के साथ विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों की हुई है और कौंसलनाग यात्रा कमेटी जो है उनके सदस्यों की हुई है, और अलग अलग जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग विभागों को डीसी रियासी द्वारा दी गई है ताकि यात्रा में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। इस बार थोड़ी भव्य यात्रा का कुछ प्लान है? ऐसे वो मतलब जैसे कि इंश्योरेंस मिली है कि पहले से अच्छे तरीके से भव्य तरीके से ढोल बाजे गाजे के साथ, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा इसमें साथ देगी, सिक्योरिटी का भी पूरा अरेंजमेंट होगा और बाकी जो भी डिपार्टमेंट है वो सभी उन्होंने एक्टिव जो है कर दिए हैं। तो हम मतलब पूरी उम्मीद रखते हैं कि अच्छे तरीके से जो है यात्रा जाएगी, क्योंकि पहले कुछ लोग डर रहे थे लेकिन अब वो डर जो है उनका निकल गया है, तो अच्छे तरीके से जो है यात्रा जो है जहाँ से निकलेगी। जी चलिए, तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।